अगर किसी क्रेडिटर पार्टी को एडवांस में पैसा रिसीव होता है तो उसकी एंट्री कैसे होगी और परचेस करते समय फिर कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, तो ये चीजें देखेंगे। इसी तरह से आप सेल्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए ये समझते हैं। तो वाउचर में चलते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हम रिसिप्ट वाउचर में है, ठीक है। तो ये अगर आपको पैसा एडवांस में प्राप्त हो रहा है तो ये पेमेंट वाउचर में एंट्री पास कर लीजिए। यहाँ पर डेबिट आ रहा है तो डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, ये क्रेडिटर पार्टी है गौरव, ठीक है, और यहाँ पर इसी को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आए और यहाँ पर मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से 60,000 रुपए यहाँ से, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसको रखना है एडवांस, ठीक है, ये एडवांस रखिएगा और एंटर टेस्ट कीजिएगा और यहाँ पे 60,000 रुपए एडवांस में प्राप्त हुए, ये एंट्री तो हो गई, ठीक है। अब इसको बाहर आएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो ये एंट्री दिखाई पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये जो है गौरव को पेमेंट हुआ है, ठीक है, अब गौरव के खाते में 60,000 रुपए हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर वी प्रेस कर लेता हूं और आता हूं परचेस वाउचर में। तो जैसे ही परचेस वाउचर में आएंगे तो यहां सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, ठीक है, यहां पे चाहे तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे डेट कर लेता हूं 2/5/2021, ये कर लिया, सॉरी 20, एंटर प्रेस किया तो ये डेट चेंज हो गई हमारी, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आएंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पे समझने वाली बात है, यहां पर अगर परचेज अकाउंट आ गया, अब यहां पे कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये कीबोर्ड हो गया, अब मान लीजिए 60 कीबोर्ड परचेज हो रहा है, ठीक है, 300 रुपए का एक परचेज हो रहा है, तो ये हो गया। अब ये जो बिल बनेगा इसको हमें एडजस्टमेंट एंट्री में डालना होगा। तो यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस पे आ जाइए, आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये 60,000 रुपए एडवांस में इन्होंने दिए थे, याद है ना, तो ये पेंडिंग बिल्स दिखाई पड़ रहा है। तो अभी इसमें जो है 18,000 रुपए एडजस्ट किए जा रहे हैं। अब अभी मैं क्या करता हूं, यहां कर देता हूं 15,000 ही, ठीक है, तो ये 15,000 कर दिया हमने, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यहां पर न्यू रेफरेंस कर दीजिए, ठीक है। ये न्यू रेफरेंस करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और इसको एक्सेप्ट कराना है। ये तरीका है इसको एडजस्ट करने का।